नमस्कार, अराउंड द वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और शुरुआत आपको बता दें, रियो की बात करें तो रियो ओलंपिक में खेलेंगे पहलवान नरसिंह यादव। वाडा ने नरसिंह यादव को क्लीन चिट दी है, नरसिंह यादव के वकील का यह दावा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो कि रियो ओलंपिक से आ रही है। नरसिंह यादव कल अपना मुकाबला खेलेंगे और ये खबर सामने निकल कर आ रही है। तो रियो ओलंपिक में खेलेंगे पहलवान नरसिंह यादव। वाडा ने नरसिंह यादव को क्लीन चिट दी है। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा ने नरसिंह यादव को क्लीन चिट दे दी है और नरसिंह यादव के वकील का यह दावा है। इसके पहले लगातार सस्पेंस बरकरार था, सस्पेंस बना हुआ था कि नरसिंह यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि नरसिंह यादव का मुकाबला 19 तारीख यानी कि कल ही उनका पहला मुकाबला है और 18 तारीख को यानी कि आज सुनवाई होनी थी। अब लिहाजा लगातार इस ओर निगाहें टिकी हुई थी कि क्या होगा फैसला, क्या नरसिंह को मौका मिलेगा, नरसिंह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये अब फैसला आ चुका है कि नरसिंह यादव खेलेंगे और ऐसा दावा है नरसिंह के वकील का। तो अराउंड द वर्ल्ड की हम बात करें, बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे से सियासी माइलेज उठाने की होड़ की, और बात होगी ईरान और रूस की पक्की होती दोस्ती की भी। देखेंगे अमेरिकी इलेक्शन में किस तरह से स्ट्रेटेजिकल वॉर हो रही है, दिखाएंगे आपको पोकेमन गो गेम के विनर की मशक्कत, और खबरें और भी होंगी। लेकिन शुरुआत पड़ोसी देश पाकिस्तान की खबर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी से लेकर वहां के प्रधानमंत्री और आतंकवादी तक कश्मीर मुद्दे का फायदा उठाने की होड़ में, और अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी कश्मीर के मुद्दे पर अपना बेसुरा राग अलापा है। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला पाक अपने दामन पर पड़े दाग से परेशान, पीएम के बयान से बौखलाए बिलावल का घिसा पिटा कश्मीर राग। पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा अब एक ऐसा मसला बन गया है जिससे सियासी माइलेज लेने की कोशिश हर राजनेता, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी, हर कोई कर रहा है। हाफिज सईद इस मुद्दे को लेकर आतंकवादी संगठन की धार तेज कर रहा है, तो नवाज शरीफ इस मुद्दे को लेकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और अब विपक्षी पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने भी कश्मीर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकाली है। बिलावल भुट्टो ने अपनी खीज निकालते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बलूचिस्तान के बारे में बात करने से पहले कश्मीर में भारत की ओर से किए जा रहे सो कॉल्ड अत्याचारों की जवाबदेही लेनी चाहिए। बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण में बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र किया था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को बिलावल भुट्टो ने भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना और उत्तेजक कहा है। बिलावल अली भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। बिलावल भुट्टो का बयान हालांकि सियासी तौर पर पाकिस्तान में भी इतना अहम नहीं माना जाता, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी जुबान खोलना सही समझा। भले ही यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर के मामले में दखल अंदाजी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन बिलावल ने वही बेसुरा राग फिर से अलापा। मोदी को कश्मीर और भारत में कश्मीरियों, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। बलूचिस्तान लोकतांत्रिक पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है और किसी तानाशाह की गलतियां भारतीय प्रधानमंत्री को हमारे अंदरूनी मामलों में बोलने का अधिकार नहीं देती। मजे की बात यह है कि जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी की बातें वो देश कर रहा है जिसके हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान की आजादी के दिन खुद गैर जिम्मेदारी की हद कर दी थी। जहां तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, आपने वजीर आजम के पैगाम में आज सुना कि इस साल का जश्न आजादी हम कश्मीर की आजादी के नाम करते हैं। हुआ
तारीख इस बात की गवाह है कि तहरीक आजादी की तहरीकें कभी पसपा नहीं होती। आजादी की तहरीकों को बिलाखिर कामयाब होना पड़ता है, चाहे उन तहरीकों के खिलाफ किस कदर ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए। तहरीकें, आजादी की तहरीकें बहरहाल कामयाब होती हैं। जम्मू और कश्मीर की भी तहरीक आजादी इंशाअल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। जो पाकिस्तान कश्मीर में अलगाववादियों से लेकर आतंकवादियों तक को देश की शांति भंग करने के लिए अपना समर्थन लगातार देता रहता है, उस पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि वो भारतीय प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर को दुनिया का सबसे विस्फोटक मुद्दा बताते हुए कहा कि इससे ध्यान बांटने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बिलावल एक ओर से कश्मीर पर रेफरेंडम की बात कर रहे थे और दूसरी ओर बलूचिस्तान के लोगों की इच्छा को लेकर उनका स्टैंड तानाशाही वाला था। ऐसे में किस मुंह से पाकिस्तान भारत को गलत और खुद को सही ठहराता है? इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। और पाकिस्तान के बाद अब बात मिडिल ईस्ट में चल रहे संग्राम की करें तो इस्लामिक स्टेट के खात्मे के लिए इस इलाके में तकरीबन 70 देशों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, लेकिन लीड रोल में अमेरिका और रशिया है। रूस ने इस लड़ाई में अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को भी शामिल कर लिया है। अब रूस सीरिया में बमबारी के लिए ईरानी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर रहा है। भले ही दुनिया के तमाम देशों को यह बुरा ही लगे, लेकिन रूस ईरान को इस लड़ाई में इनडायरेक्टली शामिल कर चुका है। रूस का एक और क्रांतिकारी कदम, ईरान के बेस से रूस की उड़ान। रूस ने एक बार फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ काम किया है। अमेरिका समेत कई देशों ने जिस ईरान से अपने रिश्ते लगभग खत्म कर रखे हैं, तो वहीं रूस ईरान के बेस का इस्तेमाल सीरिया में बम बरसाने के लिए कर रहा है। रूस के विमानों ने ईरान से उड़ान भरकर सीरिया में बम बरसाए हैं। पिछले साल सितंबर में रूस ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन में हवाई अभियान शुरू किया था। इसके बाद से यह पहला मौका है जब रूस ने किसी दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल इस अभियान में किया हो। साथ ही 1979 की क्रांति के बाद यह पहला मौका है जब ईरान ने किसी देश को सैन्य अभियान के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। हालांकि रूस के इस कदम को यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन का उल्लंघन माना जा रहा है, जिसे लेकर रूस के विदेश मंत्री ने अपनी सफाई पेश की है। इस बात की कोई वजह ही नहीं है कि रूस के रिजोल्यूशन 2231 का उल्लंघन किया हो, क्योंकि ईरान को न तो कोई सप्लाई दी गई है, न ही किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बिक्री या ट्रांसफर किया गया है। रूस और ईरान के इस गठजोड़ को रूस के मिडिल ईस्ट में बढ़ते दखल और ईरान से उसकी नजदीकियों का सबूत माना जा रहा है। साथ ही रूसी वायुसेना की हमला करने की क्षमताओं में भी इजाफा होगा। रूसी सेना के तुपोलेव 22MB और सुखोई 34 विमानों ने ईरान के हमदान मिलिट्री बेस से सीरिया के लिए उड़ानें भरी। इन विमानों के जरिए अल नुसरा के ठिकानों पर अलेप्पो, इदलिब और देर अल जोर प्रांत में हमले किए। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे के संसाधनों के इस्तेमाल का फैसला लिया, क्योंकि दोनों ही देश असद की सरकार का समर्थन करते हैं। रूस की ओर से ही कहा गया कि दोनों देशों की प्राथमिकता सीरिया की क्राइसिस को खत्म करना है। इस वक्त प्राथमिकता यह है कि सीरिया की क्राइसिस को खत्म करने के लिए सहयोग की नीति अपनाई गई। दोनों देशों के बीच मिलिट्री इंटेलिजेंसीज और विदेश मंत्रियों के बीच सुझाव और बातचीत होनी चाहिए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की माने तो अलेप्पो में विद्रोहियों के प्रभाव वाले जिलों में हवाई हमले से 19 लोगों की मौत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की हवाई हमलों को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है कि इसमें नागरिकों की मौत हो रही है, लेकिन रूस इसकी परवाह किए बिना लगातार सीरिया के उन इलाकों पर बमबारी कर रहा है जहां इस्लामिक स्टेट के ठिकाने हैं। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो सीरिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे असद की सत्ता को फायदा हो या नुकसान, इस्लामिक स्टेट का सफाया हो रहा हो या नहीं, लेकिन इस युद्ध का एक पहलू इतना दर्दनाक है कि इसे देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। वो पहलू है बचपन। सीरिया में रहने वाले बच्चों के इस युद्ध ने क्या दुर्गति कर दी है वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। जो बच्चे देश का भविष्य होते हैं उन्हें छोटी सी उम्र में वो सब कुछ देख लिया जो उनकी उम्र के लिहाज से काफी बड़ा है।
युद्ध वो त्रासदी जो बनी बनाई दुनिया को तबाह कर देती है, वो जिंदगी को तिनके की तरह बिखेर देती है। लेकिन इस त्रासदी में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वो बच्चे हैं, जिनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही वो मौत का एहसास कर लेते हैं। ये तस्वीरें अलेप्पो की हैं, जहां बमबारी के दौरान गिरी एक इमारत से मासूम बच्चों को निकाला गया। इन बच्चों की जितनी उम्र भी नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी त्रासदी उन्होंने देख ली है। एम्बुलेंस में बैठे ये बच्चे धूल से ढके हुए हैं, रोनी चीखने चिल्लाने के लिए मानो इनके पास आंसू भी नहीं बचे हैं। अपने जख्मों को खुद ही महसूस कर रहे हैं और अपने दर्द को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो विद्रोहियों के गढ़ अलकतरेजी का है, जहां वॉर प्लेन्स ने आतंकियों को टारगेट करके बमबारी की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। ये बच्चे अपनी किस्मत से तो बच गए हैं, लेकिन इनका घर तबाह हो गया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की माने तो रूस इस इलाके में बमबारी कर रहा है, जिसमें नागरिकों की मौत हो रही है। सीरिया से युद्ध की ऐसी तस्वीरें नई नहीं हैं, पहले भी बच्चों की ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिन्हें देखकर मन पसीस जाए। लेकिन न तो युद्ध खत्म हो रही है, न ही इनका दर्द। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। उधर तुर्की में पुलिस थानों को निशाना बनाकर किए गए 2 कार बम धमाकों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 120 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए। बुधवार को भी पूर्वी प्रांत वान में एक पुलिस थाने पर एक कार बम से हमला किया गया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी और 2 आम नागरिकों की जान चली गई। हमले में 20 पुलिस अधिकारियों सहित अन्य कई लोग इसमें घायल हुए। इस हमले के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK को जिम्मेदार बताया गया है। वहीं जिसने कार बम विस्फोट से पुलिस थाने को निशाना बनाने या सड़क किनारे रखे बम से पुलिस वाहनों पर हमला करने का अभियान शुरू किया है। पिछले हफ्ते PKK के कमांडर जमील बाइक ने तुर्की के शहरों में पुलिस के खिलाफ ऐसे हमले तेज करने की धमकी दी थी। घटना के कुछ घंटे बाद पूर्वी तुर्की के एलाजिक शहर में गुरुवार सुबह पुलिस मुख्यालय पर एक और कार बम धमाका हुआ, जिसमें पुलिस कार्यालय के कम से कम 3 अधिकारी मारे गए और तकरीबन 100 लोग इसमें घायल हो गए।